सभी मतदान अधिकारी PO P1 P2 P3 को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल HRSB एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर आपका स्वागत है। साथियों, विधानसभा चुनाव 2022 के लिए जिसके लिए आप मतदान करवाने के लिए आप वहां के पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं, EVM एवं VVPAT की जिम्मेदारियां दी गई हैं, से संबंधित निर्देश सभी मतदान अधिकारियों को जानना आवश्यक होता है। पीठासीन अधिकारी तो पूरे बूथ के ऑफिसर होते हैं, उनको संपूर्ण जिम्मेदारी होती है, लेकिन सभी पदाधिकारियों की भी उत्तरदायित्व निर्धारित हैं और सभी को मतदान एक दिन पूर्व से मतदान के दिन मॉक पोल टेस्ट तक की संपूर्ण प्रक्रिया इस वीडियो पर आपको बताई जाएगी। पोलिंग एजेंट को कैसे नियुक्त किया जाए, यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होते रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए। संबंधित बूथ को रवाना होने से पहले EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या VVPAT के नंबरों का मिलान अवश्य रूप से कर लिया जाए। यह ध्यान रखा जाए कि VVPAT के पीछे स्थित सिलेक्शन स्विच बटन को घुमाकर परिवहन के समय क्षैतिज बिंडा तथा मतदान के समय ऊर्ध्वाधर खड़ा रखा जाए। यह हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बटन को जो रखना है और ये VVPAT की लोकेशन दिख रही है, अनलॉक पोजीशन में आपका होना चाहिए जब आप ले जाए, और इस प्रकार से ये आपका VVPAT है। VVPAT के लिए बॉक्स इसमें से पैक रहेगा। प्रत्येक बैलेट यूनिट में थंब व्हील द्वारा निर्धारित BU की संख्या सही हो। एक BU के प्रयोग की दशा में एक तथा दो BU प्रयोग की दशा में प्रथम मशीन पर एक तथा दूसरी मशीन पर दो अंकित होना चाहिए। जो बैलेट यूनिट मिलेगी यदि दो मिलती हैं तो दो, एक और दो आप दोनों में अंकित कर देंगे। रवानगी स्थल पर प्रस्थान से पूर्व कंट्रोल यूनिट बैलेट यूनिट की जांच की जा सकती है। कंट्रोल यूनिट जो आपको CU यूनिट और बैलेट यूनिट दो मिलेंगे उनको आप यहीं पर चेक कर सकते हैं। जाँच के पश्चात पावर स्विच को ऑफ कर दें क्योंकि उसकी बैटरी ज़्यादा मान लीजिए नहीं होती है तो दूसरे दिन आप परेशान हो सकते हैं। इस कारण से उसको बैटरी को भी चेक कर लें कि उसकी क्या बैकअप है, क्या कैसी है। मतदान के एक दिन पूर्व मतदेय स्थल पर आपको अपने पहुंच करके व्यवस्था करनी है। किस प्रकार से आप सबसे पहले गेट एंट्री जो होगी उसके पहले आप एंट्री करते ही पोलिंग ऑफिसर 1, फिर पोलिंग ऑफिसर 2, पोलिंग ऑफिसर 3, इस प्रकार से वोटिंग कंपार्टमेंट यहाँ रहेगा और जिधर से एंट्री होती है उस साइड टेबल रहेगी आपके पीठासीन अधिकारी महोदय की। प्रथम मतदान अधिकारी और द्वितीय मतदान अधिकारी और तृतीय मतदान अधिकारी और उसके जस्ट सामने इधर आपके पोलिंग एजेंट पीछे बैठेंगे जो आपके पोलिंग ऑफिसर और ये आपके मतदान अधिकारी रहेंगे। ये आपकी बैठने की प्रक्रिया पहले ही मतदेय स्थल पर जा करके आप निर्धारित कर लेंगे। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि मतदान वोटिंग कंपार्टमेंट की स्थिति संतोषजनक है, उसमें पर्याप्त प्रकाश हो किंतु वह सीधे वोटिंग कंपार्टमेंट पर ना पड़े क्योंकि वह VVPAT को खराब कर सकता है, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। मतदेय स्थल के 200 मीटर के दायरे का निरीक्षण कर लिया जाए जिससे वहाँ पर कोई भी ऐसी सामग्री जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करती हो उसको हटा दिया जाए। ये जिस दिन आप मतदेय स्थल पर पहुँचेंगे वोटिंग के एक दिन पूर्व तो ये अवश्य निर्धारित कर लें सभी मतदान अधिकारी कि वहाँ पर कोई ऐसी सामग्री तो नहीं है जो आपको 200 मीटर के रेंज में हो, उसको आचार संहिता उल्लंघन के तहत उसको हटा दिया जाए। मतदान से जुड़े सरकारी कार्मिकों को छोड़कर कोई भी मोबाइल फ़ोन लेकर मतदेय स्थल पर नहीं जाएगा। उन औपचारिकताओं को पूरा कर लिया जाए जो मतदान दिवस के दिन अपने कार्य को सम्यक एवं शीघ्र संपन्न करने में सहायक हों, जैसे लिफाफे एवं मतदेय स्थल से संबंधित कार्य। ये एक दिन पूर्व ही व्यवस्थाएँ अपनी कर लें। मतदेय स्थल के 200 मीटर के परिधि के बाहर प्रत्याशियों द्वारा मतदाताओं को पर्ची बांटने हैं तो एक मेज
दो कुर्सी तथा छाया हेतु छतरी लगा सकते हैं। मतदेय स्थल पर प्रवेश हेतु अधिकृत व्यक्ति जो पोलिंग बूथ होगा वहाँ पर ऑथराइज कौन कौन होंगे? मतदान अधिकारी होंगे, प्रत्येक अभ्यर्थी, उसका निर्वाचन अभिकर्ता और एक समय पर प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा नियुक्त एक मतदान अभिकर्ता, आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति जैसे मीडिया कर्मी, माइक्रो ऑब्जर्वर आदि। निर्वाचन के संबंध में कर्तव्यरूढ़ वर्दीधारी तथा असलाधारी को छोड़कर लोक सेवक, आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक ऑब्जर्वर जो होंगे, मतदाता के साथ में कोई गोद में शिशु या बच्चा, ऐसे अंधे एवं शिथिलांग मतदाता के साथ कोई सहायक जो दिव्यांग व्यक्ति होंगे, माता पिता या जो भी हैं बूढ़े बुजुर्ग, उनके साथ एक सहायक आ सकते हैं। ये मतदेय स्थल पर प्रवेश करने के लिए ऑथराइज्ड होंगे। मतदान अभिकर्ता के रूप में मतदान अभिकर्ता द्वारा प्रारूप 10 में नियुक्त पत्र प्रस्तुत किए जाने पर उन्हें प्रवेश दिया जाता है। एक प्रत्याशी द्वारा एक मतदेय स्थल पर दो अभिकर्ताओं की नियुक्ति की जा सकती है, किंतु एक बार में उनमें से एक ही मतदेय स्थल पर प्रवेश कर सकता है। ये विशेष कंडीशन रहेगी जो एक प्रत्याशी के दो अभिकर्ता होंगे लेकिन एक समय में एक ही मतदेय स्थल पर एक एजेंट वहाँ पर उपस्थित होगा, पोलिंग एजेंट, तो और दूसरा उसका ऑप्शन में रहेगा। यदि वो जाता है, रिलीव कर सकता है, तो दूसरा उसके साथ उपस्थित जगह में हो सकता है। विभिन्न घोषणा पत्रों एवं सीलिंग प्रक्रिया में निर्धारित स्थान पर मतदान अभिकर्ताओं के यथासंभव हस्ताक्षर करवाए जाएंगे। जो भी मतदान अभिकर्ता पोलिंग एजेंट होंगे उनके हस्ताक्षर जरूर होंगे, जो जिसमें से ही पीठासीन अधिकारी घोषणा अपना करेंगे। मतदान अभिकर्ताओं के बैठने का क्रम मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल, प्रादेशिक दल, दूसरे राज्यों के मान्यता प्राप्त दल, पंजीकृत अमान्यता प्राप्त दल और निर्दलीय। इस प्रकार से मतदान के दिन वास्तविक मतदान के पूर्व की स्थिति क्या होगी, जिस दिन मतदान होना होगा सबसे पहले क्या कार्य करेंगे पीठासीन अधिकारी या P1 P2 P3। मतदान का दिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सुबह 5 बजे उठकर दैनिक क्रियाओं से मुक्त हो जाएं तथा एक बार पुनः मतदेय स्थल के 200 मीटर के क्षेत्र का निरीक्षण कर लें। मतदान अभिकर्ताओं यानी पोलिंग एजेंट उनके प्रत्याशी द्वारा जारी किए गए प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करने पर प्रवेश पास जारी करें। प्रातः 6 बजे न्यूनतम 2 मतदान अभिकर्ताओं पोलिंग एजेंट की उपस्थिति में मॉक पोल कराना अनिवार्य है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो पीठासीन अधिकारी महोदयों के लिए है कि 2 पोलिंग एजेंट होना अनिवार्य है, तभी आप मॉक पोल टेस्ट कराएं। यदि मतदान अभिकर्ता अनुपस्थित हैं तब भी मॉक पोल की कार्यवाही 6:15 से प्रारंभ कर दी जाए। यदि अनुपस्थित पाए जाते हैं, नहीं रहते हैं कोई भी, तो 6:15 तक हर हालत में मॉक पोल टेस्ट शुरू करवा देनी है। मॉक पोल की प्रोसेस कैसे होगी उसके बारे में देखते हैं। मॉक पोल की कार्रवाई है, सर्वप्रथम मशीन को बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट तथा VVPAT को आपस में जोड़ने के उपरांत ऑन करेंगे। ये कंडीशनें रहेंगी। सबसे पहले EVM मशीन मॉक पोल टेस्ट कैसे करेंगे, यहाँ पर ये आपका CU और आपका बैलेट सामने शो हो रहा है। इंश्योर द इक्वल नंबर ऑफ वोट्स आर पोल्ड फॉर ऑल कैंडिडेट्स। आप यहाँ पर इंश्योर होंगे कि कितने वोट किस कैंडिडेट को आप डाल रहे हैं, ताकि आपको मशीन की जांच करना है, मॉक पोल टेस्ट करना है। तो यहाँ पर आप इसको चेक करेंगे, तो ये बैलेट बटन को प्रेस करेंगे और पहले क्लियर कर देंगे। क्लियर करने के बाद बैलेट बटन को करेंगे, किसको बैलेट दे रहे हैं, किसको वोट कर रहे हैं, किस कैंडिडेट को, प्रत्याशी को। इसके बाद क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद रिजल्ट देखेंगे। रिजल्ट देखने में कितने वोट आपने, जो भी पोलिंग एजेंट हैं उनके द्वारा जो वोट किया गया, कितने वोट उस प्रत्याशी को यहाँ पड़े हैं, यहाँ रिजल्ट से उसको चेक करेंगे। यदि वो बराबर पाया जाता तो उसको क्लियर कर देंगे। इसके पश्चात ये स्विच ऑफ एंड सील, और उसको स्विच ऑफ करके इसको सील कर देंगे। ये कंडीशन रहेगी, कम से कम 50 वोट डालना अनिवार्य है मॉक पोल टेस्ट करने के समय में, और उन 50 को पर्ची कलेक्ट करके उनको डिब्बे में कंप्लीट सील कर देना है। इसके बाद ही उसको क्लियर
चेक कर लेना है मशीन को और वापस उस पर वोटिंग की प्रोसेस की जाएगी। इस प्रक्रिया में 7 पर्चियां जो मशीन के ऑटो टेस्ट से संबंधित होती हैं और जिन पर नॉट फॉर काउंट लिखा होगा निकलेंगी। मॉक पोल प्रारंभ करने से पूर्व सीआरसी यानी क्लोज रिजल्ट क्लियर बटन दबाएं। ये मॉक पोल प्रारंभ करने से पूर्व की कंडीशन है। यदि लिंक एरर प्रदर्शित हो तो केबल को पुनः ठीक से लगाएं। कुछ क्षण बाद उम्मीदवारों की संख्या कुल पड़े मत 0 तथा उम्मीदवारों के लिए पड़े मतों की संख्या 0 प्रदर्शित होगी। ये हम सीआरसी कर लेंगे। जब चेक कर लेंगे उनका मॉक पोल टेस्ट हो जाएगा, उसके पश्चात ये सीआरसी करने के बाद ही यहाँ पर एक बार चेक करेंगे। चेक करने के बाद उम्मीदवारों की पड़े मतों की संख्या 0 दिखाना चाहिए और कुल उम्मीदवारों की संख्या में पड़े मत आपके 0, तो ये तब समझेंगे कि आपकी वो एक भी उसमें जो है वोट शेष नहीं रह गई। इसके बाद मॉक पोल प्रारंभ करते हुए प्रत्येक प्रत्याशी को न्यूनतम 1 मत देते हुए नोटा सहित न्यूनतम 50 मत डाले जाएं। कम से कम 50 वोट डालना है और नोटा को भी चेक कर लेना है। संतुष्ट हो लें कि वे वीवीपैट में बीयू के प्रत्याशियों से संबंधित चुनाव चिन्ह के ही स्लिप आ रहे हैं। ये भी ध्यान दें कि जिस कैंडिडेट को आपने प्रत्याशी को वोट दिया है उसी को ही बीयू यानी बैलेट यूनिट के माध्यम से वीवीपैट पर जो प्रिंट आ रही है, स्लिप आ रही है, उसी प्रत्याशी की आ रही है कि नहीं। मॉक पोल समाप्त करने हेतु क्लोज बटन दबाने के कुछ समय बाद रिजल्ट बटन दबाएं तथा उसका मिलान करते हुए मॉक पोल का प्रमाण पत्र स्वयं तथा मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर के उपरांत जारी करें। तो ये आपको चेक करना है कितने मतदान कितने कैंडिडेट को किस किस कैंडिडेट को कितने किए थे, वो मिलान करने के पश्चात ही उसे मॉक पोल अब क्लियर बटन दबाकर वास्तविक मतदान के लिए मशीन सील करते हुए तैयार करें। क्लियर कर देंगे तो 0 हो जाएंगे। वीवीपैट से निकली मॉक पोल पर्ची के पिछले हिस्से पर रबर की मोहर लगाएं तथा उन्हें विशेष काले लिफाफे में रखकर स्वयं व मतदान अभिकर्ताओं का हस्ताक्षर जरूर करें। लिफाफे पर मतदान केंद्र संख्या व नाम लिखने के उपरांत उसे प्लास्टिक बॉक्स में डालकर पिंक पेपर सील से सील करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पैराग्राफ था साथियों। वीवीपैट से निकली मॉक पोल पर्ची के पिछले हिस्से पर रबर की मोहर लगाएं तथा उन्हें विशेष काले लिफाफे में रखकर स्वयं मतदान अभिकर्ताओं से ये हस्ताक्षर कराने के बाद अब ईवीएम सीलिंग प्रोसेस कैसे करना है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को जो बैलेट यूनिट है उसे कैसे करेंगे। ग्रीन पेपर सील का हरा भाग चित्र के अनुसार ऊपर प्रदर्शित हो। यहाँ पे आप और थोड़ा सा इसका रख लें। ग्रीन पेपर सील का हरा भाग चित्र के अनुसार ऊपर प्रदर्शित हो रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा एक कंट्रोल यूनिट है इस पर आप रिजल्ट प्रिंट और बैलेट टोटल क्लोज, तो ये यहाँ पर ये बटन प्रेस करते हुए ये हम ग्रीन पेपर सील यहाँ से डालते हैं, आप देख पा रहे हैं, और उसका नंबरिंग जो है वो बाहर की तरफ दिख रहा है और इस तरह से ये करेंगे। सील में स्पेशल टैग ईवीएम सीलिंग प्रोसेस। अब स्पेशल टैग देखते हैं, ये आपकी पेपर सील लगाने के बाद ग्रीन पेपर सील के बाद स्पेशल टैग लगाते हैं जो आपके पास धागा रहेगा और यहाँ पर बांध देंगे टैगिंग करके। एड्रेस टैग जरूर पर इस पर लगाएं ताकि ये पता चले कि किस बूथ का मध्य स्थल की ये मशीन है। ये आप देखिए ये एड्रेस टैग इस प्रकार से लगा रहेगा लेफ्ट साइड। ये देखिए ए ए है और ये इस प्रकार से ये आपका कंट्रोल यूनिट है। ये देखिए इस प्रकार से ए बी सी की प्रक्रिया जैसे समझाई जाए। एक बार आप प्रैक्टिकली श्योर हो जाइएगा कि ये आपकी थ्योरेटिकल है
और सैद्धांतिक रूप में आप देख पा रहे हैं अभी इस वीडियो में। एक बार जब भी आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा उस समय विशेष रूप से एक बार देख लें और इसको किस प्रकार से कैसे करना है। और इसके बाद आगे देखते हैं एड्रेस टैग लगाया जाना। एड्रेस टैग आपको देख ही पा रहे हैं, ये आप लगा लेंगे। तत्पश्चात सील्ड लिफाफे को प्लास्टिक के बॉक्स में रखकर प्लास्टिक बॉक्स को पिंक पेपर सील से सील कर सील पर हस्ताक्षर करें। ये साथियों जो पिंक पेपर सील जो है, ये आपको जो एक प्लास्टिक का बॉक्स मिलेगा उस बॉक्स के अंदर आपकी मॉक पोल टेस्ट की पर्चियाँ होंगी। उस पर्चियों को उस बॉक्स में एक काले लिफाफा होगा, पॉलीथीन होगी, उसके अंदर वो पैक कर दिया जाएगा। पैक करने के बाद ये ऊपर से आपकी पिंक पेपर सील से उसको सील कर देंगे और इसमें भी एक एड्रेस टैग लग जाएगा, तो ये भी आप सील कर लेंगे। पीठासीन अधिकारी के कार्य मतदान के दौरान गोपनीयता एवं मतदान प्रारंभ होने की घोषणा। मतदान के प्रत्येक 2 घंटे के अंतराल पर कुल पड़े मतों की प्रतिशत महिला मतदाताओं की प्रथम संख्या सहित सेक्टर मजिस्ट्रेट को अवगत कराना, पीठासीन की डायरी में नोट करना। सभी मतदान अधिकारियों पर नियंत्रण रखना। विजिट सीट पर निरीक्षण हेतु आज सेक्टर सोनल मजिस्ट्रेट, प्रेक्षक महोदय, जिला निर्वाचन अधिकारी आदि की प्रविष्ट अंकित करते हुए हस्ताक्षर प्राप्त करना। मतदान समाप्ति का नियत समय 5 बजे तक है। वह मतदाता जो सायंकाल निर्धारित समय तक मतदान स्थल पर उपस्थित हो जाते हैं उन्हें वोट देने की अनुमति देना।